गुड मॉर्निंग बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन पे। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हिस्ट्री की क्लास 10th की सिलेबस के बारे में बात की थी, जो कि आप लोग ने नहीं देखी होगी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 2020 टू 2021 के सिलेबस के लिए आपका सीबीएसई बोर्ड में कौन से टॉपिक और कितना पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा ही होगा, हम लोग क्लास 10th की सिविक्स का टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन सबको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में ज्यादा लंबा खींचते वाले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चा बोर्ड पर देख सकते हैं, कुछ लिखा हुआ टॉपिक वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है बच्चों देख रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 9th में था 1 बच्चों और 10th में आप लोग का 2। ठीक है, ये बुक का नाम है, आप लोगों को जो भी आप एनसीईआरटी ही पढ़ना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो ये आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 है। ठीक है, हम लोग देखेंगे सिलेबस ऑफ सिविक्स 2020 टू 2021 क्लास 10th के सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सिविक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हम लोग के 8। ठीक, और इन आधे चैप्टर को मिला करके हम लोग 80 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बाकी जो आपका स्कूल का एग्जाम वगैरह होगा उससे ऐसे 20 मार्क्स मेकअप किया जाएगा और प्रोजेक्ट वगैरह। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों की सभी का समरी देखेंगे, सारे चैप्टर्स की बात करें तो सभी का पहले समरी देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन से देखेंगे और फिर मोस्ट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड के लिए। ठीक है, इतना सब हम लोग हिस्ट्री में भी करेंगे, एसएसटी सिविक्स में भी करेंगे, ज्योग्राफी में भी करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी करेंगे, सभी चैप्टर्स में हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर पढ़ोगे आप लोग तो अगर बोली जाए तो एसएसटी से अगर बात की जाए तो जितना नोट्स अगर हमने लिखवा दिया, जितना नोट्स अगर आप लोग प्रोवाइड कर देंगे तो 90% का चांस आपको 90% क्वेश्चन उससे कैरी कर देंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपके बोर्ड पे लिखवाया गया हो और आप लोग को बोर्ड में ना मिले हो, इस बात की गारंटी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, पूरे एसएसटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक मैथ ही क्यों ना हो, 90% आप लोग को हर एक क्वेश्चन आप लोग को बुक से मिल जाएगा, बोर्ड में आपको वही क्वेश्चन मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो हम लोग 100 क्वेश्चंस पूरा सिविक्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिलाकर के 100 to 150 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उसमें शॉर्ट आएगा लॉन्ग आएगा सारे मिलाकर के। ठीक है, उसमें से लॉन्ग का तो 100% सभी क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे, शॉर्ट में का तो दो ऊपर से नीचे हो सकता है लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोग को बेनिफिट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए पहले तो हम लोग समझ लिए कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं हम लोग पास, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 8 सिविक्स में। हिस्ट्री में भी बच्चों 8 ही थे जिसमें से हम लोग सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने थे, लेकिन सिविक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, सिविक्स में देखिए हिस्ट्री में क्या था, 4 चैप्टर्स पढ़ने थे लेकिन बाकी सबसे क्वेश्चन और करके आना था। ठीक है, बाकी सबसे क्वेश्चन और करके आना था लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला चैप्टर बच्चों वो है पावर शेयरिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें श्रीलंका और बेल्जियम का पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे वो दोनों का देश है जो इसको यूज करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग। सेकंड चैप्टर बच्चों आपका फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कभी सुना हो तो ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। हम लोग फेडरलिज्म देखेंगे कि इंडिया में संघवाद कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया में संघवाद का क्या काम है, और भी देशों में श्रीलंका और बेल्जियम वगैरह सब देशों में जो संघवाद का यानी कि फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस होता है, कैसे किया जाता है, इंडिया में कैसे होता है। ठीक है, तो इंडिया वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो हर ईयर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देता ही देता है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर आपके बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पता ही चल रहा है डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी का डाइवर्सिटी। ठीक है, पता ही चल रहा है, राम से बदल जाए किसी को दिक्कत नहीं है, हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे कैसा डाइवर्सिटी है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कैसा, किस जगह पे उसका डाइवर्सिटी है, कैसा उसका जो भी तरह तरह का है वो हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 आता है बच्चों आपका जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर का मतलब पता ही है, मेल फीमेल, रिलीजन का मतलब पता ही है और कास्ट का मतलब पता ही है। तो ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान देंगे, इन सभी चैप्टर का बहुत ज्यादा काम पड़ता है तो इन सबको ऐसे काम आएगा, आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग फिर बात करेंगे कि आखिर इसमें से चैप्टर हम लोग को पढ़ना कितना और कितने चैप्टर्स को लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट है बच्चों आपका 5th नंबर है आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, इन सबको हम लोग को देखना है।
पॉपुलर स्ट्रगल वगैरह की बात करेंगे कि क्या कितने स्ट्रगल हुए और कितना ज्यादा पॉपुलर मूवमेंट वगैरह जो हुआ है वो सबको देखना है चैप्टर नंबर 5 में। फिर आते हैं हम लोग 6 नंबर की बात करें, तो 6 नंबर में हम लोग चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझ रहे होंगे आपके कितने पार्टी वगैरह है उन सभी के बारे में पढ़ना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आउटकम्स पर हम लोग पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर बच्चा है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी का चैलेंज क्या है। तो इतना सब बच्चों आप लोग को देख लीजिए एक बार, चैप्टर्स है टोटल चैप्टर नंबर 8 है। सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे सभी के साथ साथ बताएंगे और सब का सब इसमें से आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का चैप्टर कितने हैं और कैसे लोग पढ़ेंगे। पहले लोग पढ़ेंगे समरी, फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, फिर आएंगे हम लोग VVI क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, हम साइड करते हैं एक बार अच्छे से आप लोग इसको देख लिया, उसके बाद फिर बताते हैं कि हम लोग आखिर किस चैप्टर को पढ़ेंगे और कितना चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से, एक बार इसको आप देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आखिर पढ़ेंगे किस किस को, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे 1 को पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, 4 को पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे और 6 को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब अच्छे टॉपिक्स है और अच्छा सब कुछ है जो कि सबको पढ़ने में मजा आएगा, इसलिए हम लोग ने चुन करके बताया कि ये हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को जो पसंद आएगा वो बता दीजिएगा, हम लोग उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, उस चैप्टर का एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक्स्ट्रा भी क्या रहेगा, जैसे हिस्ट्री में हमने एक्स्ट्रा रखा था तो इसमें क्या है एक्स्ट्रा, तो ये देख लीजिए एक्स्ट्रा में आपको ये रहेगा, ये इसका वीडियो आप लोग को आएगा जैसे ऐसा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग पूरे चैप्टर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है उन सभी के सभी का लाइन मिले जितना भी सबको हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे, कोई भी चैप्टर ऐसा छोड़ेंगे नहीं विथ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मेरा जो बोलने का स्पीड है वो थोड़ा सा ज्यादा आप लोग को लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड ही बोल रहा हूँ, सिलेबस है इसलिए इसके मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन लाइन पढ़ना तो उसका स्पीड जो होगा आप लोग का थोड़ा मिनिमम और थोड़ा स्लो होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं क्लास 10th के पढ़ने के लिए, तो टोटल नंबर चैप्टर्स है 8, जिसमें से जो लोग VVI जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग बेल्जियम श्रीलंका कैसे कहां शेयर होता है वो सब पढ़ेंगे, फेडरलिज्म पढ़ेंगे, संघवाद इंडिया में संघवाद पढ़ेंगे, फिर इंडिया से बाहर का संघवाद पढ़ेंगे, फिर जो ये एक्स्ट्रा में है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर है जेंडर, जेंडर का मतलब मेल फीमेल रिलीजन जातिवाद और कास्ट सिस्टम, ये तीनों पढ़ेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स 10 क्वेश्चन बता दूं आपको बच्चों, 5 नंबर की या 4 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो VVI होंगे उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यानी कि 10 है अगर पूछे जाए तो इसी 10 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, उसके अलावा कहीं से आपको पूछे नहीं जाएंगे सब में हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका बच्चों पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, इस पे हम लोग आएंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है एकदम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर बोलेगा इसको पढ़ा दिया जाएगा, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी भी बता दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर से और टोटल मार्क्स 80 आपको मिलेंगे। तो बच्चों ये था कि हम लोग को जो चैप्टर्स पढ़ना है कैसे पढ़ना है, कितना सिलेबस है और कितना टाइम लगेगा। तो इसमें बेसिकली अगर बात की जाए हम लोग हर क्लास में 1 से 2 वीडियो आएगी बच्चों, आप लोग को आज क्लियर कर दे कि वीडियो जब भी आएगी तो सुबह में 8 बजे और शाम में 6 बजे, ठीक है। और अगर बीच में एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो 10 से 12 के या 10 से 2 के बीच में कोई एक वीडियो आ सकती है, लेकिन सुबह 8 और शाम का 6 का जो बात है बच्चों वीडियो फिक्स है, उस टाइम पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और दोपहर में जब जैसे मान लीजिए हम लोग को वीडियो ज्यादा बनाना पड़ा तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है और सारे लोग अभी घर में है, तो रिक्वेस्ट है आप लोग से घर पर है तो जितना ज्यादा हो सके आप ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि अगर अभी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, उसके बाद फिर अपने पास टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि स्कूल प्रेशराइज करेगा और वो अलग ढंग से करेगा, उनके पास एक प्रेशर रहेगा कि हमारे पास टाइम कम है, आप 6 मंथ बचे या 4 मंथ बचे उसमें क्या होगा। तो अभी से स्टार्ट लोगो, अपने करियर पे ध्यान दो और स्टार्ट करो पढ़ना, जितना है कुछ ना कुछ तो समझोगे ही समझोगे, कहीं से भी जरूरी नहीं कि यहीं से समझो, और भी चैनल से बहुत अच्छे अच्छे चैनल से आप उस पर जाओ, वहां पर ध्यान दो, मैथ्स के अच्छे, SST साइंस सबके मिल जाएंगे, वहां से देखो
कहीं से जो आपको अच्छा लगे लेकिन आप वहां से देखो एक बार, ताकि आप लोग को नॉलेज मिले, आइडिया मिले, क्योंकि अभी अभी आप लोग 9th से 10th में आए हो, ठीक है। तो ध्यान से अगर ध्यान दोगे तो आप लोग का जो है आएगा सिलेबस बढ़ता रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। क्या जो मैंने अभी आपको समझाया क्या ये समझ नहीं आया? आई होगा ऑफकोर्स, अगर 90% या 100% नहीं सुनना है 50% आया होगा, 50% है ना दिमाग में, उसके बाद अगर कभी जरूरत पड़ा फिर से एक बार देख लेंगे 50% कैच हो जाएगा, उसी के हिसाब से अपने बच्चों पढ़ो। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ध्यान दे एक बार क्योंकि रिवीजन में कि हम लोग क्या करेंगे, तो पहले समरी पढ़ेंगे, सभी के चैप्टर्स के हम लोग समरी देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर है जो VVI क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना सब हम लोग SST में करेंगे, SST में याद रखना बच्चों, SST में सभी आ गए, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सभी में हम लोग इतना जरूर करेंगे, इतना हम लोग एकदम 100% करेंगे। अगर 90+ या 95+ चाहते हैं, 95+ तब जब मैथ पे आपका कमांड होगा, 95+, ठीक है। और मैथ पे कमांड नहीं है तो 90 तक के लिए इतना एकदम 100% श्योर रहेंगे कि इतना आपको मिल जाएगा 90, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और घर पर रहे और सेफ रहे, और ज्यादा से ज्यादा रखिए आप ऑनलाइन जितना पढ़ सकते हैं एक बार पढ़े, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो सिविक्स आज हो गया, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगी। उसके बाद सारा वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, अगर आप चाहो तो सारे का एक साथ बना दिया जाएगा, एक ही में SST का सिलेबस कितना है वो बना दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।